हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने प्लांट ग्रोथ का अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उसके कुछ टॉपिक अपन ने क्लियर भी कर लिए थे, जिसमें अपन ने स्टार्ट कर रखा है अपना प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन ने अपने दो हार्मोनों की स्टडी कर ली थी, ऑक्सिन की और जिब्रेलिन की। उनके कार्य के प्रभाव देख लिए थे, उनकी डिस्कवरी देख ली थी कि किस प्रकार से उनकी खोज हुई और प्लांट्स के ऊपर उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो आज अपन जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो अपना साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो जैसा कि अपन जानते हैं, साइटोकाइनिन अपना हार्मोन होता है, वो क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। मतलब ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हेबरलैंड ने अपने परीक्षणों में ये देखा कि जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके फ्लोएम में कुछ विल्यशील पदार्थ पाया जाता है जो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन को उद्दीप्त करता है। ये परीक्षण जो किया था, सबसे पहले हेबरलैंड ने किया था। हेबरलैंड ने देखा कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पादप होते हैं, और उन पादपों में क्या पाया गया, उनके फ्लोएम जो थे, उनके फ्लोएम में कुछ विल्यशील पदार्थ उपस्थित था। और वो विल्यशील पदार्थ क्या करता था, वो विल्यशील पदार्थ जो था वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला था। और हेबरलैंड जो था, हेबरलैंड के बाद में एक अलग और साइंटिस्ट था, वॉन ओवरवीक। और वॉन ओवरवीक ने क्या देखा कि जो नारियल का पानी था, उस नारियल के पानी में भी कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ उपस्थित था जो कोशिका विभाजन को क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। उसके बाद दो और साइंटिस्ट थे, उसका नाम था स्कूग तथा मिलर। स्कूग तथा मिलर ने क्या किया, यीस्ट जो होता है, उस यीस्ट के डीएनए से कोशिका के विभाजन के लिए एक आवश्यक पदार्थ को पृथक किया। स्कूग तथा मिलर ने यीस्ट की जो डीएनए की कोशिकाएं होती हैं, उससे कोशिका विभाजन करने वाला एक पदार्थ जो था वो पृथक किया, और उस पदार्थ को उन्होंने नाम दे दिया काइनेटिन। और उसके बाद में एक अलग साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेथम। फिर लेथम ने इस काइनेटिन को एक अलग नाम दिया और वो नाम था साइटोकाइनिन। लेथम तथा मिलर ने क्या किया, मक्का का जो भ्रूणपोष होता है, मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन के समान ही एक रासायनिक पदार्थ क्या किया, पृथक किया। और वो रासायनिक पदार्थ जो था उसको क्या नाम दिया गया, जियाटिन नाम दिया। और ये जियाटिन जो था, ये जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन था। ठीक है, ये इसका जर्नल इंट्रोडक्शन था कि साइटोकाइनिन को कैसे, किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या परीक्षण करके प्राप्त किया। ओके, अगर अपन साइटोकाइनिन के केमिकल नेचर की स्टडी करें तो साइटोकाइनिन जो होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, साइटोकाइनिन न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। ठीक है, और संरचनात्मक दृष्टि से ये क्या होते हैं, ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। और प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन जो होगा उसका संश्लेषण किस जगह पे होता है, प्लांट के अंदर हमेशा साइटोकाइनिन का संश्लेषण उस जगह पर होता है जहां पर क्या होती है, कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूल शीर्ष, प्ररोह शीर्ष, विकासशील कलिका। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है। प्लांट जो होता है, प्लांट में साइटोकाइनिन का संश्लेषण हमेशा वहां पर होता है जहां पर सेल्स जो हो रही है, जहां पर सेल्स विभाजित हो रही होती हैं। अपना जो ये साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ना, ये कोशिका द्रव्य में क्या करता है, ये कोशिका द्रव्य में टीआरएनए के संरचनात्मक घटक का कार्य करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य में टीआरएनए के संरचनात्मक घटक का कार्य करेगा। ये तो हो गया साइटोकाइनिन का इंट्रोडक्शन। अब अपन देखेंगे कि साइटोकाइनिन के प्लांट्स के ऊपर क्या क्या कार्य के प्रभाव होते हैं। साइटोकाइनिन के कार्य के प्रभाव पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ। सबसे पहले पहचाने गए साइटोकाइनिन का नाम क्या था, 6-फर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। ओके, ये जो था अपना प्रथम बार पहचाना गया साइटोकाइनिन हार्मोन था। अब अपन डिस्कस करते हैं साइटोकाइनिन के कार्य के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, अगर साइटोकाइनिन के कार्य के प्रभाव में अगर हम फर्स्ट पॉइंट का डिस्कस करें तो क्या होगा, कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, ठीक है। और कोशिका विभाजन में क्या होता है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन की उपस्थिति में अपना प्लांट जो होता है प्लांट के अंदर क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ओके, अपना साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट के अंदर ऑक्सिन की उपस्थिति में क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, सेल जो होंगी उनका डिवीजन जो होगा वो फास्ट कर देगा। और सेकेंड है अपना कोशिका दीर्घन, मतलब सेल इलोंगेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपना साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, सेल जो होती हैं सेल में दीर्घीकरण की प्रोसेस करता है, प्लांट की जो सेल होंगी पादप की जो कोशिकाएं होंगी उनमें दीर्घन को प्रेरित करेगा। और ये प्रेरण किन किन हार्मोनों के साथ करेगा, ये साइटोकाइनिन जो होगा ये ऑक्सिन इथाइलिन के साथ मिलकर सेल का जो दीर्घन होगा उसकी प्रोसेस करेगा। अगर अपन देखें तंबाकू जो होता है, तंबाकू की मूल कोशिकाएं जो होती है ना, मूल की कोशिकाएं, वो कोशिकाएं साइटोकाइनिन के प्रभाव से सामान्य तंबाकू की तुलना में 4 गुना अधिक दीर्घित पाई गई हैं, ठीक है। तो ये कोशिका दीर्घन का भी कार्य करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आएगा कोशिका विभेदन, तो अपना जो ये साइटोकाइनिन होता है ये क्या करता है, कोशिका विभेदन को भी प्रेरित करता है। और कोशिका विभेदन को किसके साथ मिलकर प्रेरित करेगा, ये ऑक्सिन के साथ मिलकर प्रेरित करेगा। ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन की मात्रा अपन अलग अलग देते हैं तो प्लांट के अंदर ये अलग अलग अंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात आपको समझाऊं, अपन ने उत्तक संवर्धन तकनीक पढ़ी है, ठीक है, टिश्यू कल्चर अपन पढ़ के आए हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट की कोई भी सेल या कोशिका अपन लेते हैं लेबोरेटरी में, और फिर क्या किया जाता है, उससे किसका फॉर्मेशन करते हैं, अपन संपूर्ण प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो संपूर्ण प्लांट का जब अपन फॉर्मेशन करते हैं किसी भी टिश्यू से, तो स्टार्टिंग में अपने को एक संरचना प्राप्त होती है, उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, ठीक है। जो सेल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में विभाजित होना स्टार्ट होती हैं, तो नई जो विभाजित हुई कोशिकाएं होती हैं उनको अपन कैलस बोलते हैं। यहाँ तक अपन पढ़ के आए हैं। अपना जो ये उत्तक संवर्धन होता है ये किस में होता है, पोषक माध्यम में। जो अपनी जो टिश्यू या सेल ली है अपन उसको पोषण तो देते ही है, तो उस पोषण माध्यम में कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर उस पोषण माध्यम में अपन क्या करें, जो अपना साइटोकाइनिन है साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा कर दे और ऑक्सिन की मात्रा कम कर दे, तो क्या होता है, उस कंडीशन में कैलस से प्रो का विकास होगा, ठीक है। साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा करने पर और ऑक्सिन की मात्रा कम करने पर क्या होगा, प्रो का विकास होगा, ठीक है, कैलस से प्रो का विकास होगा। और अपनी यही प्रोसेस अपन उल्टी कर दे, मतलब जो साइटोकाइनिन है इसको कम कर दे और जो ऑक्सिन है इसको अपन ज्यादा कर दे, तो फिर अपने कैलस से किसका फॉर्मेशन होगा, फिर अपने कैलस से जो जड़ें होती हैं ये जड़ों को प्रेरित करेगा, ठीक है। अगर अपन जो अपना संवर्धन माध्यम होता है उस संवर्धन माध्यम में कैलस को अपन पोषण देते हैं, उसमें अगर अपन साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा और ऑक्सिन की मात्रा कम देते हैं, तो अपने साइटोकाइनिन की जो ये ज्यादा मात्रा दी जाती है ये किसके विकास को प्रेरित करती है, ये प्ररोह के विकास को प्रेरित करती है, ठीक है। और यही चीज अगर अपन इसके ऑपोजिट करते हैं, साइटोकाइनिन की मात्रा जो होती है वो पोषण माध्यम में अपन कम कर देते हैं एंड अपना ऑक्सिन जो होता है ऑक्सिन की मात्रा अपन ज्यादा कर देते हैं, तो उस टाइम अपने साइटोकाइनिन की जो कम मात्रा होती है वो किसको प्रेरित करती है, जड़ों के विकास को प्रेरित करती है, ठीक है। अब अगर अपने फोर्थ स्टेप की अपन बात करें तो इसमें क्या आएगा, शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रभाविता का विरोध। शीर्ष प्रभाविता या फिर शीर्ष प्रमुखता एक ही बात है। शीर्ष प्रभाविता और शीर्ष प्रमुखता क्या होती है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करके आए हैं जब अपन ने ऑक्सिन हार्मोन पढ़ा था। शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता क्या होती है, प्लांट जो होता है प्लांट के प्रो का ऊपरी सिरा जो होता है वो वर्दी करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पार्श्व जो शाखाएं होती हैं वो वर्दी नहीं कर पाती। अपना ये प्रभाव क्या कहलाता है, शीर्ष प्रभाविता कहलाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ प्रभाविता का विरोध। तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करेगा, सिर्फ प्रभाविता का विरोध करेगा, मतलब प्लांट को शीर्ष वाले सिरे से बढ़ने की बजाय ये किसको प्रेरित करेगा, शाखाएं, पार्श्वीय शाखाएं जो होती हैं वहां से प्लांट को प्रस्फुटित होने में साइटोकाइनिन जो होता है वो मदद करता है और शीर्ष का जो सिरा होता है उसमें वृद्धि होने से रोकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो क्या होगा, परसुप्तता को नष्ट करना। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनके बीज जो होते हैं, ठीक है, उनकी परसुप्तता को नष्ट कर देता है ये। जो प्लांट होते हैं अपने पादप जो होते हैं उनके बीज जो होते हैं या फिर कंद होते हैं उनकी परसुप्तता को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, बीजों का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अपन जानते हैं जब बीज परसुप्त अवस्था में होते हैं तब तो अपन उनको सुप्त अवस्था में होते हैं वो अपन उनको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये उनकी परसुप्तता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, बीजों का अंकुरण हो जाता है। और नेक्स्ट और अपना लास्ट पॉइंट है जीर्णता विलंब। इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन जानते हैं जीर्णता क्या होती है, जीर्णता होती है वृद्धावस्था। वो जीर्णता जो होती है वो प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। तो अपना जो ये साइटोकाइन होता है ये उनकी जीर्णता को रोकता है, मतलब उनकी वृद्ध होने की जो दर होती है उसको कम कर देता है, प्लांट्स के वृद्ध होने की दर को कम करता है, उनकी जीर्णता को रोकता है साइटोकाइन। सामान्यतः अपनी जो पत्तियां होती है प्लांट की उनमें क्या हो जाता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो पर्णहरित होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनका अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट जो होते हैं प्लांट में जीर्ण अवस्था आ जाती है। बट अपना साइटोकाइनिन क्या करता है, इनके अपघटन होने की दर को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या नहीं आ पाती, प्लांट में जीर्णता नहीं आ पाती। ठीक है, ये तो था अपना साइटोकाइनिन हार्मोन जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, इसके क्या क्या कार्य के प्रभाव होते हैं। अब अगर अपन नेक्स्ट हार्मोन के ऊपर डिस्कस करें तो अपना नेक्स्ट हार्मोन आएगा इथाइलिन। जो इथाइलिन भी अपना क्या है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है, और ये अपना फोर्थ नंबर का हार्मोन था, क्योंकि इससे पहले अपन किन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो ये नेक्स्ट हार्मोन है अपना इथाइलिन। अब अगर अपन इथाइलिन के बारे में डिस्कस करें तो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एक बताती हूँ, इथाइलिन जो होता है वो क्या होता है, एक गैसीय हार्मोन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन अपना क्या होगा, इथाइलिन। फिर इस इथाइलिन की केमिकल नेचर की, रासायनिक प्रवृत्ति की अपन बात करें तो ये क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और अपना जो ये इथाइलिन होता है ये पादपों के लगभग सभी भागों में क्या होता है, संश्लेषित होता है। और करता क्या है ये फलों के परिपक्वन एवं वृद्धि को उद्दीप्त करता है। ओके, इथाइलिन के ऊपर सबसे मोस्ट ऑफ मोस्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, इथाइलिन अपना क्या है, एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। और ये बात कि इथाइलिन एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है सबसे पहले प्रमाणित करने वाला साइंटिस्ट था आर्गेने। आर्गेने ने ये बात बताई थी कि इथाइलिन जो होता है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है और ये फलों के परिपक्वन एवं वृद्धि को क्या करता है, उद्दीप्त करता है। और अपना जो ये इथाइलिन होता है, इस इथाइलिन के अणु क्या होते हैं, सूक्ष्म तथा जल में विलय होते हैं, और सूक्ष्म तथा जल में विलय होने के कारण क्या होता है, पादप जो ऊतक होते हैं इनमें इनका स्थानांतरण, ट्रांसफर या परिवहन कैसे होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। और इसके अप्राकृतिक निर्माण हेतु किसका उपयोग किया जाता है, इथेफोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अप्राकृतिक निर्माण हेतु यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे अपना इथाइलिन जो है इसके कार्य के प्रभाव। हाँ, अपन देखते हैं इथाइलिन के क्या क्या कार्य के प्रभाव होते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन, तो सबसे पहले अपना प्रभाव है वृद्धि पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ। वृद्धि पर क्या प्रभाव होता है इथाइलिन का, प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट होगा, जैसे अपन ने देखा ऑक्सिन हार्मोन था, जिब्रेलिन हार्मोन था, वो सब क्या कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। ये भी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा बट इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। इसमें क्या होगा,
कि प्लांट की जो परों और मूल होती है उसकी लंबाई में वृद्धि करने के बजाय ये क्या करेगा, उसकी मोटाई में वृद्धि करेगा। मतलब ये प्लांट का परों और मूल का जो पार्ट होता है वहां पर उनकी लंबाई में वृद्धि को अवरुद्ध करके क्या करता है, जो प्लांट की जो मोटाई होती है उस मोटाई में वृद्धि को प्रमोट करता है, मोटाई में वृद्धि को प्रेरित करता है इथाइलिन हार्मोन। तथा अपने इस इथाइलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं उन अपस्थानिक जड़ों में भी विकास होता है। सेकेंड है अपना फलों का पकना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो तो फलों के परिपक्वन में क्या होता है, इथाइलिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट में प्राकृतिक रूप से फलों के परिपक्वन के लिए इथाइलिन महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे, इथाइलिन जो होता है कुछ जीनों को सक्रिय कर देता है और उन जीनों के द्वारा एंजाइमों का संश्लेषण किया जाता है और वो एंजाइम फिर क्या करते हैं, फलों को परिपक्व कर देते हैं। ऐसे फलों को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्टेरिक फल, क्लाइमेक्टेरिक फल। ओके, इथाइलिन जो होता है अपना, इथाइलिन क्या करता है, ये प्लांट के अंदर कुछ जीनों को सक्रिय करता है और वो जीन फलों के पकने के लिए आवश्यक एंजाइमों का संश्लेषण करते हैं जिससे फल पक जाते हैं। ऐसे फलों को फिर क्लाइमेक्टेरिक फल बोला जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट होगा अपना पुष्पन पर प्रभाव, पुष्पन पर प्रभाव। तो अपना ये इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन अधिकतर प्लांट्स में क्या करता है, अधिकतर प्लांट्स में पुष्पन जो होता है उसके विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, पुष्पन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है। बट कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे आम, अनानास, इनमें क्या करता है, इनमें पुष्पन को प्रेरित करता है अपना इथाइलिन। ठीक है, कुछ प्लांट्स में ये पुष्पन को प्रेरित करता है और कुछ में क्या करता है, पुष्पन के विरुद्ध कार्य करता है। ये प्लांट्स के अंदर क्या करता है, मादा पर प्रभाव विकसित करता है, मतलब मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है इथाइलिन। ओके, जो मादा पुष्प होंगे उनकी संख्या में इथाइलिन वृद्धि करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें विल्गन, तो विल्गन क्या होता है, इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपना ये इथाइलिन जो होता है ये पुष्पों, फलों, पत्तियों में क्या कर देता है, विल्गन को तीव्र कर देता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा, जीर्णता। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपना इफेक्ट देखें तो ये है जीर्णता। तो अपना जो ये इथाइलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, प्लांट्स में जीर्णता को प्रेरित करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स के जो पुष्प होते हैं उनकी पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती हैं और पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़कर नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं इसकी अधिकता प्लांट में क्या कर देती है, जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं उनको मंद कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अपने क्या हो गए, जो अपने ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन थे, वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन थे जो ग्रोथ को बढ़ा रहे थे, वो कम्प्लीट हो जाते हैं, जिसमें अपन ने ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन एंड इथाइलिन हार्मोन का डिस्कस किया है। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा जो वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं, वो है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो अपना वृद्धि अवरोधक या निरोधक हार्मोन होता है उसके बारे में अपन जानते हैं, क्या होते हैं ये वृद्धि अवरोधक या निरोधक हार्मोन। मेनली प्लांट्स में इनका क्या वर्क होता है, ये वृद्धि को क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर वृद्धि को कम करने का कार्य करते हैं। ओके, जो अपने वृद्धि अवरोधक हार्मोन होते हैं ये प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और वृद्धि अवरोधक हार्मोन में अपन किसका डिस्कस करेंगे, अवशेषिक अम्ल का। कौन सा हार्मोन, अवशेषिक अम्ल। तो अपना जो ये अवशेषिक अम्ल होता है ये प्लांट्स में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक, और यह प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी होता है। ठीक है, अवशेषिक अम्ल प्लांट में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। यह मुख्य वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है प्लांट में। यह क्या करता है, प्लांट जो होता है उस प्लांट को वातावरणीय विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, इसको अपन तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। और तनाव हार्मोन बोलने का रीजन क्या है,
क्योंकि अपना जो ये हार्मोन होता है ये क्या करता है, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में पादप को सामना करने के लिए सहायता करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ओके, तो अगर अपने इसके डिस्कवरी की बात करें तो वेरिंग एक साइंटिस्ट था, ठीक है। वेरिंग ने सबसे पहले एसर नामक जो पादप था उसमें क्या किया, वर्दी अवरोधक पदार्थ को पृथक किया, और उस वर्दी अवरोधक पदार्थ को क्या नाम दिया गया, डोरमीन। ओके, डोरमीन जो था वो क्या था, वर्दी अवरोधक पदार्थ था। वियरिंग नामक साइंटिस्ट ने किससे पृथक किया था, एसर नामक प्लांट से इसको पृथक किया था। और फिर अपना जो ये वियरिंग है, इस वियरिंग के अलावा भी एक साइंटिस्ट था और उसके सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, कपास जो होता है उस कपास की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला और उस पदार्थ को क्या नाम दिया गया, अब्सिसिन नाम दिया गया। और क्या नाम दिया गया उस पदार्थ को, अब्सिसिन नाम दिया गया, ठीक है। एडिकोट तथा उसके सहयोगियों ने, तथा इसके सहयोगी थे, इन्होंने क्या किया, कपास जो होता है कपास की पुष्प कलिकाएं जो थी उससे एक पदार्थ को पृथक किया जिसको एब्सिसिन नाम दिया। बाद में एक चीज सिद्ध हुई, वो क्या थी, जो अपना ये एब्सिसिन है और अपना ये डोरमीन जो था ये दोनों एक ही पदार्थ थे, ठीक है, जिसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, अब्सिसिक अम्ल नाम दे दिया गया, ABA, ठीक है। एब्सिसिन और डोरमीन जो थे वो एक ही पदार्थ था जिसे बाद में अब्सिसिक अम्ल नाम दिया गया। अगर अपना अब्सिसिक अम्ल के रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है, C15H20O4, ठीक है, ये इसका क्या था, सूत्र था अब्सिसिक अम्ल का। अब अगर अपन अब्सिसिक अम्ल के कार्य के प्रभाव देखें, अब्सिसिक अम्ल का प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि अपना वर्दी अवरोधक हार्मोन है, तो सारे के सारे वर्क इसके वर्दी के अवरोध से रिलेटेड होंगे, अब्सिसिक अम्ल के कार्य के प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अब्सिसिक अम्ल, जिसमें फर्स्ट होगा पत्तियों का विलगन। और अपना जो ये अब्सिसिक अम्ल होता है, इस अब्सिसिक अम्ल का घोल बनाकर अगर अपन प्लांट जो होता है, पादप जो होता है, उसकी पत्तियों पर छिड़कते हैं तो क्या हो जाता है, पत्तियों का विलगन हो जाता है, पत्तियां जो होती हैं वो प्लांट से अलग होकर झड़कर गिर जाती हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो इसमें आएगा कलियों तथा बीजों की परसुप्तता। इसमें अपना इथाइलिन हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट जो होता है उसमें बीज जो होते हैं, बीजों को और कलियों की प्रसुप्त अवस्था जो होती है उसको क्या कर देता है, भंग कर देता है। और प्रसुप्त अवस्था को भंग करने से क्या होता है, बीज जो होते हैं बीजों का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपना इथाइलिन हार्मोन क्या करेगा, प्रसुप्त अवस्था को भंग करेगा, जिससे क्या होगा, अंकुरण जो होगा, बीजों का अंकुरण हो जाएगा, कलियों में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा, वाष्पोत्सर्जन रोधी। तो अपना जो ये अब्सिसिक अम्ल होता है ये क्या करता है, अपने जो स्टोमेटा होते हैं प्लांट के, पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं ना, उनको बंद कर देता है। अब्सिसिक अम्ल की अति सूक्ष्म मात्रा भी प्लांट के रंध्रों को बंद कर देती है, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके रंध्र जो होते हैं वो आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनमें रंध्रों की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो अपना जो अब्सिसिक अम्ल होता है वो क्या कर देता है, पत्तियां जो होती है पत्तियों के रंध्र आंशिक रूप से बंद कर देता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आ जाती है। अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा, वर्दी का संदमन या वर्दी का अवरुद्ध। इसमें क्या होता है, अपना जो अब्सिसिक अम्ल होता है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका परिवर्धन दोनों को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो क्या आएगा, जीर्णता। तो जीर्णता में क्या होता है, अपना जो अब्सिसिक अम्ल होता है वो प्लांट में क्या करता है, जीर्णता को प्रेरित करता है, ठीक है। अब्सिसिक अम्ल प्लांट में जीर्णता को प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे प्लांट में प्रोटीन परणहरित आरएनए जो होते हैं इनका हवास होता है तीव्र गति से। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, तनाव हार्मोन के रूप में।
जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं अपना अब्सेसिक अम्ल होता है वो तनाव हार्मोन होता है। किस प्रकार से इसको तनाव हार्मोन बोला जाता है, जैसे जलाभाव की स्थिति हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, तब क्या होता है प्लांट की पत्तियों में अपना अवशेषिक अम्ल जो होता है इसके निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, जल की कमी में या जलाभाव की स्थिति में प्लांट के अंदर प्लांट की पत्तियों में अवशेषिक अम्ल जो होगा उसका संश्लेषण ज्यादा होगा, क्या होगा रंध्र बंद हो जाएंगे। अपन ने पढ़ा है इसकी जब मात्रा ज्यादा होती है तब ये रंध्रों को बंद कर देता है, और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तब क्या होता है ये वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वाष्पोत्सर्जन की दर को 56% तक कम कर देता है, जिससे अपन जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस में जल हानि होती है। तो ये रंध्रों को बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, और वाष्पोत्सर्जन को लगभग 56% तक कम करने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ ये 14% तक क्या करता है प्रकाश संश्लेषण को भी कम करता है। ओके, 56% वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है, 14% प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। तो ये तो हो गए अपने अवशेषिक अम्ल के कार्य के प्रभाव।